सुदेशना प्रणाम। सुदेशना की 57 संतानवीं पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मित्रों, 57 को यदि हम 7 को पहले करें और 5 को बाद में कर दें तो होता है 75। सुखद संयोग है कि आज सुदेशना की 57वीं पाठशाला और आज़ादी का 75वां वर्ष यानी भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी शुभ घड़ी है। आप सभी को अशेष शुभकामनाएं, बधाई। हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ ये भारतवर्ष एक उपमहाद्वीप है, एक महादेश है। ये आर्यावर्त है, ये भारतवर्ष है, ये देवभूमि है, ये पुण्यभूमि है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ये वक्तव्य हम सब अंगीकार करके राष्ट्र के लिए समर्पित रहें, देशभक्ति का परिचय देते रहें। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद गृजन्न मनः स्वम स्वम चरित्र शिक्षरेण पृथ्वीव्याम सर्व मानवा। अर्थात एक ऐसा देश है भारत जिसकी ओर समग्र विश्व टकटकी लगाया रहता है जब उसे सदाचार की शिक्षा लेनी होती है, अध्यात्म की शिक्षा लेनी होती है। स्वम स्वम चरित्र शिक्षरेण पृथ्वीव्याम सर्व मानवा। अतीत पर नजर दौड़ाइए, स्वयं के चरित्र से शिक्षित और प्रशिक्षित किया है हमने समग्र विश्व को। हम एक ऐसा देश हैं। भारतवर्ष की आज़ादी बेशकीमती है, न जाने कितनी शहादतों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें यह कीमती बेशकीमती आज़ादी मिली। इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सभी संकल्पित रहें, कटिबद्ध रहें। यही संकल्प करने का, इसी संकल्प को अपने मन मस्तिष्क में प्रगाढ़ करने का दिवस है स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। अमृत महोत्सव की बेला आ गई है। हम शीघ्र ही शेष विश्व के समक्ष विश्वगुरु की अपनी प्राच्य गरिमा के साथ फिर से प्रकट हों। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी सुदेशना की शिक्षाओं के अंतर्गत अपने व्यक्तित्व का अद्भुत निर्माण करें। स्वयं के चरित्र से हम लोगों को प्रेरित करने की क्षमता अर्जित कर लें। मित्रों, भारतवर्ष ने सदैव से समग्र विश्व का सांस्कृतिक नेतृत्व किया है। भारतीय संस्कृति की विशिष्टता ही है विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी दुनिया को एक कुटुंब की तरह, फैमिली की तरह ट्रीट करते आए हैं। विश्व बंधुत्व का हमारा संदेश रहा है। हमने हमेशा भाईचारे की भावना को महत्व दिया है। मनुष्य मात्र की गरिमा को हमने स्थान दिया है। हम ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति, मनुष्य के भीतर की जो सर्वोच्च संभावना है, एक मनुष्य कैसे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है, इस अवधारणा का अध्यात्म लेकर सुदेशना की पाठशालाओं के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। सुदेशना की 57वीं पाठशाला और 5 और 7 को, 7 और 5 में करें तो 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी प्रसन्नता का क्षण है। प्रत्येक नागरिक आज आनंदित है, सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति कर रहा है, शुभकामनाओं का आदान प्रदान चल रहा है, राष्ट्रभक्ति परवान चढ़ी हुई है। ऐसे ही हम शेष 365 दिनों को भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर लें, भारत वर्ष को एक बार फिर विश्वगुरु बनाने की दिशा में प्राणपण से सचेष्ट हो जाएं। इसी शुभकामना और आह्वान के साथ सुदेशना की आज की ग्रीटिंग विषयक पाठशाला को देते हैं विराम, किंतु सुदेशना है अविराम। अगली 58 पाठशाला में हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे, हम सकारात्मकता की बात करेंगे। तब तक आप कीजिए इंतजार और रखिए अपना ध्यान। ओम आनंदम सफलम भवतु। सुदेशना प्रणाम।